अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास एक 24 स्लॉट फैन का स्टेटर था, तो वैसे ही मैंने कहा एक छोटा सा तजर्बा कर लेते हैं। और इसे मैं जिस तरह एक 1450 आरपीएम मोटर को रिवाइंड किया जाता है, सेम उसी तरह मैं इसमें से कोयल डाल रहा हूँ और सेट बना के डाल रहा हूँ, क्योंकि ये 24 स्लॉट था तो मैंने इस पे 4-6 पिच रख के इसमें मैंने ये 4 सेट डाले हैं। और जो इनके ये 4 सेट हैं रनिंग के, इनमें मैंने 32 नंबर वायर से 350 6 पे पिच पे रखा है और 180 मैंने 1 से 4 पिच पे मैंने टर्न रखी हैं। तो इसकी कनेक्शन सेम उसी तरह होते हैं जिस तरह के 1 से 3 कनेक्शन किए जाते हैं मोटरों में, तो सीरीज कनेक्शन। तो फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग डाटा है उसमें मैंने इसमें टर्न दी है 320 और 160, मतलब 1 से 6 पे 320 टर्न दी हैं और 1 से 4 पे मैंने 160 टर्न दी हैं। तो उसके बाद मैं सेम उसी तरह इसकी सेफ्टी की है, क्रॉसिंग पेपर वगैरह रख कर, और इसकी जो सिलाई वगैरह मैंने की है। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक चेकिंग के तौर पे भी हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है इसमें और क्या इससे कुछ स्पीड में फ़र्क पड़ता है या नहीं, तो मज़ीद मैं फिर इसकी डिटेल आपको ये मुकम्मल जब फिटिंग करके आपको चेक भी करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये स्टेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसमें बस वार्निशी करनी बाकी है, बाकी तो ये अब रेडी हो चुका है और इसकी अब हम फिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले वार्निश करने से पहले मैं इसकी फिटिंग कर लूँगा, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम इसको इस तरह से चेक कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, बस वीडियो के साथ बने रहें और उस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और देखें कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये तकरीबन 1.25 इंच का स्टेटर है, तो जो आपको जिसमें मैं ये मैंने डाटा डाला है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी मैं फिटिंग कर रहा हूँ, तो फिटिंग करने के बाद हम इसे चला के चेक करेंगे और आपको बताएंगे इसका क्या लोड है और इसकी स्पीड कितनी है। तो ये फ्रेंड्स, अब फिटिंग हो चुकी है और ये हम चला रहे हैं, तो आपको इसका लोड दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, लोड इसका 0.32 आप देख सकते हैं, और ये इसकी स्पीड है। स्पीड तो वैसे है तो बहुत ज़्यादा स्पीड, क्योंकि आम फैन की नस्बत इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो मज़ीद जब इसकी जो हम लगाएंगे इसको पर वगैरह लगा के जब चेक करेंगे, तो फिर आपको इसका मुकम्मल बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके साथ तो जब पर लगाए थे, तो उसके बाद जब मैंने इसे चेक किया तो लोड पे फ्रेंड्स इसकी स्पीड नॉर्मली हो जाती है जैसे कि आम पंखे की होती है। वैसे जो इसकी स्पीड है वो तो बहुत ही हाई फील हो रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा इसके आरपीएम है। मैंने इसको बंद भी कर दिया तो बहुत ज़्यादा इसकी आरपीएम हाई है। तो मैंने ये भी जस्ट एक छोटा सा तजर्बा करना था भाई, 4-6 पिच पे इसके 1400 आरपीएम मोटर बनाकर चेक करें तो इसकी क्या स्पीड होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्पीड जो जब हमने पर इसके साथ ऐड किए थे और जब इसको मैंने चलाया तो इसकी स्पीड बिल्कुल ही मद्धम हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।